नगर में ढिंढोरा पिट गया कि एक भी पल ऐसा नहीं है जब थक न रहे हो जनक। एक ही बात कह रहे हैं, राम कितने सुंदर, मनोहर, श्रेष्ठ, आप्त काम, राम आप्त है, आप्त काम। आप्त काम जानते हो किसे कहते हैं? मन वचन कर्म से, सपने में भी, जिससे कोई भूल नहीं हो सकती, जो भूल रहित है। वैसे संयोग से आप्त काम महापुरुषों को भी कहा गया है, पर वो सब नहीं होते, भगवान आप्त काम है। आप्त काम किसे कहते हैं? जिसे कभी भूल नहीं होगी, उसके उसके विधान में न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है। इसलिए कभी कोई संकट आ भी जाए तो हमारे यहां पंजाब में कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा विधान साचा है, तेरे विधान में कोई न्यूनता नहीं, तेरे विधान में कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, तेरे विधान में कोई दोष नहीं है, उसे आप्त काम कहेंगे। इतनी चर्चा, और न केवल जनकपुर में जनक जी और जनक नंदनी, सब नगर में नगर के पुरवासी, जो आबाल वृद्ध नर नारी हैं, किशोरियां हैं, तरुणियां हैं, सब अब सब व्रत किए बैठे, उपवास किए बैठे कि राम की झलक हमें मिल जाए। अब एक नया काम और हो गया मिथिला में, व्रत करने लगे सब लोग कि राम जी के दर्शन हमें मिल जाए। इतने कठिन व्रत कर रहे हैं वो, ऐसे बावरे लोग नहीं देखे, वो कहते हैं निर्जल रह लेते हैं, जब तक राम नहीं मिलेंगे जल नहीं पिएंगे, जब तक राम नहीं मिलेगा अन्न नहीं लेंगे। वृद्धाओं को पता नहीं क्या हो गया है, बूढ़ी माताओं को कहती हम तो द्वार पे बैठी हैं, सोटा लिए, जब राम निकलेगा तब अंदर आऊंगी, मैं बैठी हूं, पता नहीं कब निकलेगा यहां से, मैं तो देखूंगी। बूढ़ी माताएं गांव में बैठी देखी हमने, चौपाल पर बूढ़े लोग, बड़े जो व्यापार करने वाले, सृष्टि साहूकार सामंत, अतिरथी महारथी, उनकी तो बात छोड़ो, वहां के पशु पंछी, परिंदे, बंदर, मयूर, कोकिल, कागा, कपोत, टकटकी लगाकर एक और देख रहे। जनक ने कहा अपनी भारिया से, देखो तो सही, सारे पंछी परिंदे सब उस ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि राम इधर से आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए, गुरु तो मन की बात सुन ही लेते, अब दोबारा गुरु के पास जाओगे पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले गुरु तो मन की बात सुन लेते हैं, मन ही मन प्रार्थना करो कि जल्दी वो राम को भेजे, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव अविलंब राम को कहां भेजो, जनकपुर में। और जब ये गुरु के मन तक बात पहुंची तो गुरुदेव ने कहा राम से कि राम, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, राम मेरे मन में एक विचार आया है, भगवान देखिए राम कितने विनम्र हैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं, भगवान विश्वामित्र ने कहा मेरे मन में विचार आया है राम, भगवान क्या विचार आया है? बोले जरा नगर में घूमाओ, एक बार नगर की प्रदक्षिणा कराओ, और वहां उनसे रहा नहीं गया। बोले आपका सौंदर्य, रूप, राशि, गुण, आपकी दिव्यता, काले नरसिंह मनोभिरामम, काले नरसिंह, कालों के काल महाकाल हैं आप, नरसिंह हैं, नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, मनोभिरामम कितने सुंदर हैं आप, लोकाभिरामम लोक जिस पर रीझ जाता हो, लोक जिस पर लट्टू हो गया हो, ये ऐसा है राम कि शमशान में भी ले जा रहे हैं अपने लोगों को तो राम को याद कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, अरे यहां तो छोड़ दो बेचारे राम को, राम याद आ रहे हैं पीड़ा में, अभाव में, दुख में, प्रणाम में, वंदन में, अभिवादन में, घृणा में। देखिए हमने तो अपने जब संतों के चरणों में थे हम सेवा में, तो हमारे समय में एक ऐसी बात होती थी किसी का आचरण ठीक नहीं है
और ये चर्चा होती थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमारे बड़े जन पता है क्या कहते थे? राम 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 राम, यानी कहते राम राम, खड़ा, यानी किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राम 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 राम, पीड़ा में राम, प्रणाम में राम, आनंद में राम, शब यात्रा में राम। और मेरे भारत की माताएं तो प्रसूतिका के काल में प्रसव की पीड़ा को जब न सहन सके तब भी उनके मुंह से राम निकलता है।